अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तर खान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। ये शाही टुकड़ा कोलकाता के रेस्टोरेंट स्टाइल है, स्टाइल में नहीं कहूँगी, बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट रेसिपी है। आपने निज़ाम रेस्टोरेंट का नाम तो सुना ही होगा। आप मेरे इस शाही टुकड़े को बनाइए, टेस्ट कीजिए, फिर आप जाके निज़ाम रेस्टोरेंट में जाके शाही टुकड़े को खाइए। आपको टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। और हाँ, सबसे मेन बात मैं बता दे रही हूँ, शाही टुकड़ा स्लाइस से बहुत कम बनाया जाता है। अगर देखा जाए कोलकाता स्टाइल तो और जगह तो स्लाइस यूज़ किया जाता है, बट कोलकाता में स्लाइस यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेड का पाउंड आता है, इतना बड़ा ऐसा पाउंड आता है, और उस ब्रेड को कट किया जाता है। उसकी मोटाई कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। अगर आपको मिलता हो तो आप पाउंड यूज़ करें, मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 6 स्लाइस लिया है, 100 ग्राम मावा है ये, 100 ग्राम काजू है, इसे मैंने 1 घंटा पहले भिंगो दिया है। शाही टुकड़ा को मीठा टुकड़ा भी कहते हैं, ये काफ़ी मीठा होता है। जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा सा कम कर दें, ये तो आपके हाथ में, क्योंकि हम तो रेस्टोरेंट जाके खा नहीं रहे हैं, घर में बना के खा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया 250 ग्राम चीनी है ये, और आप चाहे तो 200 ग्राम भी चीनी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इलायची लिया, इसका पाउडर बना लेना है। 8 है ये आमंड, इसको इस तरह से आमंड को काट लेना है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम घी लिया है। हमें लेना है 1.5 लीटर दूध, ये 1 लीटर है, यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर लिया है गिलास में। ये थोड़ा सा मलाई है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए मलाई। और यहाँ पे मैंने लिया है केसर, इसे दूध में पहले से भिंगो कर रखा है। आपके पास अगर केसर ना हो तो आप ज़ाफ़रानी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ, तो इसलिए मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ सब मैं ओरिजिनल बता रही हूँ। जैसे यूज़ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है मुगलई मीठा अतर। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा रखा है, काफ़ी गर्म भी हो चुका है। अब हमें डालना है यहाँ पर घी। अब हमें यहाँ पर घी डालने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ब्रेड को हल्का कलर आने तक इसे फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। लखनऊ की जो शाही टुकड़ा होता है दिल्ली का, वो काफ़ी डीप करके फ्राई किया जाता है ब्रेड, बट कोलकाता का जो शाही टुकड़ा होता है उस ब्रेड को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। ब्रेड को मीडियम या लो फ्लेम पे फ्राई ना करें, हाई फ्लेम पे फ्राई करें। और लो और मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल जो है घी ज़्यादा सोख कर लेगा, इसलिए इसे हाई फ्लेम पे करें। ब्रेड को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए, लो मीडियम ना करें, क्योंकि हमारा ब्रेड थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ब्रेड मैं पहले बता चुकी हूँ, दिल्ली और लखनऊ में फ्राई किया जाता है उस तरीके से, हमें बस हल्का सा फ्राई करना है, हल्का क्रिस्पी चाहिए। यहाँ पर इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, ये भी हो चुका है, देखिए यहाँ मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये हिल भी रहा है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये दूध में जाकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, शाही टुकड़ा का जो एक खूबसूरती होती है। यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड को देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया है, बस इतना फ्राई चाहिए हमें।
हमें एक चौड़े मुंह वाला बर्तन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पैन का यूज़ किया है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें दूध को सुखाना है। एक साथ सब दूध तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं आधा तक के डालूंगी, आधा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे आधा मिलाऊंगी। ये 1 लीटर दूध है, आधा मैं डाली हूँ, आधा यहाँ पर रखी हूँ। अब इसे हमें कंटिन्यू चला चला कर इसे गाढ़ा कर लेना है और इसे पीस लेना है। दूध को हाई फ्लेम पे ही उबालना है और चौड़े मुंह वाले बर्तन में, तो फटाफट से ये गाढ़ा हो जाएगा, वरना अगर आप इसे छोटे बर्तन में उबालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से होना शुरू हो जाएगा, छाली बनना शुरू हो जाएगा, तो समझिए ये अच्छे से उबल रहा है। और यहाँ पे मैंने काजू को पीस लिया है। हमारे पास जो मावा है इस तरह से उसे तोड़ लेना है, अगर नहीं भी तोड़ेंगे तो वो दूध में जाकर खुद घुल जाएगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग अच्छे से कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी शेयर करूं, आप लोग मुझसे कुछ अच्छे अच्छा कुछ बनाना सीखें। मैं चाहती हूं कि आप लोग को अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं आप लोगों के साथ, आप लोग मुझसे कुछ सीखें। देखिए ये सब जो दिख रहा है ना, ये गंदगी नहीं है, ब्रेड इसमें फ्राई किया गया था, आपने देखा था, बस उसी ब्रेड का सब ये टुकड़ा है। हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ मैंने कहा कि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रेसिपी तो बहुत है मेरे पास, आई हैव अ लॉट ऑफ रेसिपी, मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। अब यहाँ पर हमें हाफ दूध और मिला देना है, जब वो गाढ़ा हो जाए तब मिलाइए। अगर आपके पास बड़े वाले बर्तन है तो एक साथ ही डाल दीजिए दूध, दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। देखिए इसकी थिकनेस देखिए। अब हमें मिलाना है यहाँ पर मावा, काजू का पेस्ट, हल्का सा, मैं यहाँ पर हल्का सा पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पेस्ट जो था काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो इसे चला लेना अच्छे से। चलाने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। इसे मैं दूसरी तरफ रख दे रही हूँ और हमें चाशनी तैयार करना है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 गिलास दूध, यानी 1/2 लीटर है ये, 250 ग्राम चीनी, इसे भी चलाते रहना है जब तक चीनी घुल ना जाए। हमें ये जैफरान वाला दूध है आधा डालना है, आधा रखना है। देखिए चीनी अच्छे से घुल गया है। अब यहाँ पे हमें डालना है इलायची पाउडर, मुगलई मीठा अदरक, 1-2 बूंद डालें, ज़्यादा ना डालें, इसे अच्छे से चला लें।
और हाँ एक बात बता दूँ, मैंने दूध को पहले से बॉईल करके रखा था। आप अगर रॉ मिल्क यूज़ करें तो पहले से अच्छे से उबाल आने दें, उसके बाद उसमें चीनी डालें। अब हमें डालना है यहाँ पर ब्रेड, इसे अच्छे से डीप करना है बस, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है इसमें, बस हमें इसे निकाल लेना है। जितने भी ब्रेड हैं इसी तरीके से इसे करना है। अब इसे ब्रेड के ऊपर डाल दीजिए, अगर बच गया है तो। 2 मिनट बाद, इसे मैं बोली थी पकाने के लिए, 2 मिनट बाद ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। अगर ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है तो हल्का सा इसमें दूध डाल के आप इसे पतला कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हाँ मैं मिलाऊंगी ये ज़ैफ़रान, ज़ैफ़रान वाला दूध है ये, इसे अच्छे से चला लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है ये, शाही टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है ये खाने में। इसे अच्छे से इस मलाई से कोट कर दीजिए, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट तो होगा ही, बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाएगा। अब इसे मैं फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है, इसके ऊपर भी मैं अच्छे से कोट कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं मलाई से इसे गार्निश करूंगी। और इसके ऊपर लगाना है सिल्वर वर्क। इसे आप लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, ये रेस्टोरेंट वाले से ज़रूर लगाते हैं। लगाने का तरीका भी बता दे रही हूँ मैं, देखिए इसे बस यहाँ पे हाफ लगाना है और इसे यहाँ पे उठा लेना है और बात इसे यहाँ पे हाथ लगाना। देखने में कितना खूबसूरत दिख रही है, खाने में उतना ही ज़्यादा लजीज बना है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने से पहले इसे आधा घंटा फ्रिज में रखना है, मैं इसे आधा घंटा फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रिज में रखने से पहले इसे मैं आमंड से गार्निश कर देती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, मैं इसे फ्रिज से निकाल ली हूँ। आप चाहे तो ओवरनाइट भी फ्रिज में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अच्छे से ये जम गया है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जिसे मीठा पसंद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसकी टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली है। एक मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, इतना देर तक ये दूध में रहने के बाद भी देखिए एकदम घुला नहीं है, इस तरह से देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है।
मैं इसे चख के बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, आप खुद बनाइए मेरे तरीके से बनाइए और फिर आपको खुद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।